सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के X50 डिवाइस के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशंस को लॉक कैसे कर सकते हैं। ऐप लॉक सेटिंग करना काफ़ी आसान है। एप्लीकेशंस को लॉक करने का प्रोसीजर हमें सेटिंग्स में दिया गया है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसमें हम फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और यहाँ पर स्क्रीन पर पैटर्न पिन वगैरह कुछ भी लगा के हम अपने एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। फेस लॉक से भी एप्लीकेशंस लॉक होता है, फिंगरप्रिंट से भी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे इनेबल करना है। पहले तो सेटिंग को ओपन करिए, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आइए, सिक्योरिटी वाले सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फिर से नीचे आना है, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार आप इसको क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पासवर्ड बनाया हुआ है, पहले इसको मैं डिसेबल करता हूँ यहाँ से, ताकि मैं प्रॉपर पासवर्ड लगा के आपको दिखा सकूँ कैसे यहाँ पर एप्लीकेशन को लॉक करना है। यहाँ पर पासवर्ड रिमूव हो चुका है, फिर से हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर 6-डिजिट पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। अगर आप चाहें तो 6 नंबर का पासवर्ड बना सकते हैं, अदरवाइज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अल्फ़ा नंबरिंग पासवर्ड, 4-डिजिट पासवर्ड और पैटर्न का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें अल्फ़ा नंबरिंग भी आप अपने नाम को भी पासवर्ड बना सकते हो एज अ पासवर्ड ऐप लॉक का। और अगर पिन पैटर्न चाहिए तो आप 4-डिजिट और पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से पैटर्न को चूज़ करूँगा। जो पैटर्न आप पहली बार वेरीफाई करेंगे उसी को अगेन वेरीफाई करना है, या फिर जो पिन पहली बार वेरीफाई करेंगे दोबारा वो कन्फर्म पिन उसी को डालना है। बहुत लोग गलती यहीं पर करते हैं तो वो लॉक नहीं कर पाते। इसके बाद आपके पास सेट सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा। आंसर आप यहां पर 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे, आंसर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। एज ए एग्जांपल अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट लेटर टाइप करके मैं डन करूंगा। एक तरीका का रिकवरी पासवर्ड होता है, इनकेस अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी पासवर्ड की मदद से उसे रिकवर कर सकते हैं। ऐप इनक्रिप्शन पर आप क्लिक करना है, यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन आ जाएंगे जिस ऐप को आपको लॉक करना है। बस इस तरह से ऐप लॉक को ऑन करते जाइए सबको और ये एप्लीकेशन लॉक होते जाएंगे। अब हमने बताया था यहाँ पर इसमें फेस लॉक भी लगा सकते हो, फिंगर लॉक भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले तो यहाँ पर आपने स्क्रीन का, जो भी आपने स्क्रीन का लॉक लगाया है उस लॉक को एंटर करेंगे और आपका ये वाला सेक्शन ऑन हो जाएगा। अगर आपने फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन के अंदर नहीं लगाया है तो एडेड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से फिंगर को लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर लगाया ऑलरेडी। अब वही एप्लीकेशन को आपको फिंगरप्रिंट से खोलना है, तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का एक सेक्शन मिलेगा, इसको प्रेस करिए। जो आपने ऐप लॉक का पासवर्ड बनाया है उसको एंटर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र को लगाया था, आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट वाला भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यूज़ पासवर्ड वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं दोनों में से किसी भी तरीके से आसानी के साथ इसको खोल सकता हूँ। देखो एक बार क्लिक करूँगा, हमारे पास फिंगर से ही हमारा ये जो ऑप्शन अनलॉक हो चुका है। आई थिंक गाइस समझे होंगे कैसे यूज़ करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।